हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए मैटर लाते रहते हैं, तो आज आपके लिए लाए हैं डायरेक्ट मेथड। इससे पहले की जो वीडियो है वो अगर आपने नहीं देखी तो उसको जाकर जरूर देखें। उसके बीच में आपको ये बताया गया कि कैसे आप ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पढ़ सकते हैं और कैसे आपने पेपर के अंदर लिख के आना है, वो सारी चीजें हैं, तो जाकर उसको जरूर देखें, ठीक है। और कोई भी डाउट आता है आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको जाके भी जरूर देखें। उसके बीच में आपको कई मैटर देखने को मिलेगा। तो आज पढ़ने वाले हैं हम डायरेक्ट मेथड। तो डायरेक्ट मेथड जो है वो किसके ओपोजिशन में आया है या किसके खिलाफ आया है, हम कह सकते हैं वो आया ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के खिलाफ। जीटी मेथड भी इसको कहते हैं, जीटी मेथड के खिलाफ आया डायरेक्ट मेथड। इसके कुछ अलग डिफरेंट नेम भी हैं, वो भी अगर आप पढ़ना चाहें तो वो डिफरेंट नेम्स भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं आज के मेथड को। इसका जो मेनली नेम सुना जाता है उसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल मेथड भी कहते हैं। नेचुरल मेथड, जैसे जैसे मैं बोलूँ वैसे वैसे अगर सुनते रहोगे तो आपको याद होता रहेगा। इसकी जो खोज किया या इसे किसने डेवलप किया, तो मैक्सिमिलियन बर्लिट्स ने किया, मैक्सिमिलियन बर्लिट्स ने किया। उसके बाद में अगर अपने इसके अंदर मेन चीज देखें तो ये क्या है, डायरेक्ट बॉन्ड क्रिएट करता है। डायरेक्ट बॉन्ड क्रिएट करता है बच्चे के अंदर और टीचर के बीच में, ठीक है। डायरेक्ट बॉन्ड क्रिएट करेगा जो कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है वो नहीं करता। उसके बाद में अगर अपने और देखें तो इसके बीच में नो ट्रांसलेशन, इसमें ट्रांसलेशन नहीं होती है, जबकि ग्रामर ट्रांसलेशन वाले में ट्रांसलेशन पे ज्यादा फोकस किया जाता है। इसमें जो यूनिट ऑफ टीचिंग है वो होती है सेंटेंस की, ये जो फोकस करता है वो सेंटेंस पे करता है कि सेंटेंस को कैसे बोला जाए। अगर ये वर्ड पे करता तो फिर से वही दिक्कत है, वर्ड पे अगर आता है तो घूम फिर के उसको ट्रांसलेशन करने की आदत हो जाएगी, तो ट्रांसलेशन मेथड में आ जाएगा। इसीलिए ये क्या है, नेचुरल मेथड है, क्योंकि ये सेंटेंस के ऊपर बेस्ड है। और इसमें एक और चीज है कि इसके बीच में आप ऐसे नहीं जैसे ग्रामर ट्रांसलेशन में तो आप 50 बच्चे लेके बैठ जाओ, इसके बीच में स्मॉल क्लासेस ले होती है, या अपने कह सकते हैं 10 चिल्ड्रंस लेके बैठ सकते हैं। तो स्मॉल चिल्ड्रन क्लासेस या स्मॉल क्लासेस होनी चाहिए, तभी आप बच्चे को सही ढंग से पढ़ा सकते हैं। और इसमें हर बच्चे के ऊपर ध्यान दिया जा सकता है। इसके अलावा ये एक सेंटर टीचिंग अप्रोच है। सेंटर टीचिंग अप्रोच के अंदर क्या है, सेंटर टीचिंग अप्रोच इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए मैं टीचर हूँ, मैं क्लास के अंदर पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे बच्चे ऐसे 5-6 बिठाए हुए हैं, तो ये बच्चे सारे किसके ऊपर डिपेंड है, मेरे ऊपर डिपेंड है। अगर मैं इंग्लिश गलत बोलूंगा तो ये बच्चे भी क्या है, गलत बोलेंगे। इसीलिए सेंटर जो टीचर है वो कौन होगा, यहाँ पे टीचर ही होता है। सेंटर टीचिंग जो मेन है वो कौन होगा, टीचर ही होगा। और इसके बीच में बहुत सारी एक्टिविटीज कराई जाती हैं, ठीक है, एक्टिविटीज कराई जाती हैं। इसमें बहुत ज्यादा टीचिंग एड्स का यूज किया जा सकता है। इसमें आपको जो टीचर चाहिए वो भी कैसा चाहिए, वेल क्वालिफाइड चाहिए, पढ़ा लिखा तो कम से कम ढंग से पढ़ा सके, नॉलेज होनी चाहिए उसे सारे टीचिंग एड्स की। और ये जो है ये ज्यादा क्या है, फिजूल खर्ची वाला, मतलब कि जो भी स्कूल के अंदर ऐसे टीचर होंगे तो वहाँ पे फाइनेंस की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जितना पैसा हो उसके हिसाब से पढ़ाया जा सके। और इस मेथड के अंदर क्या है, प्रॉपर बच्चे को वो तो अपने मेरिट और डीमेरिट में ले लेते हैं। अब अपने मेरिट और डीमेरिट चेक कर लेते हैं, इसकी मेरिट क्या होती है और डीमेरिट क्या होती है, क्योंकि इसके अंदर जो मेन है वो इतनी बातें हैं। अब मेरिट्स और डीमेरिट को अपने डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरिट का मतलब होता है कि क्या क्या इसके अंदर कमी है, और डीमेरिट का मतलब होता है क्या क्या इसके अंदर, तो मेरिट का मतलब क्या क्या खूबी है और डीमेरिट का मतलब क्या क्या कमी है। यहाँ पे मैं एक लाइन खींच देता हूँ, एक तरफ मैं लिखूंगा मेरिट और एक तरफ मैं लिखूंगा डीमेरिट, ध्यान देना, मेरिट और डीमेरिट, ठीक है। अब जो जो पॉइंट्स मैं कम से कम 5-6 पॉइंट दोनों तरफ लिखूंगा। पहला इसके अंदर मेरिट में है, सेंटेंस जो है वो यूनिट ऑफ टीचिंग होता है, ठीक है। इसमें डायरेक्ट बॉन्ड होता है, डायरेक्ट बॉन्ड इसके अंदर ज्यादातर स्पीकिंग के ऊपर बेस्ड है, स्पीकिंग के ऊपर फोकस किया जाता है। इसके अंदर हम कह सकते हैं प्रोनाउंसिएशन बच्चे को आएगा, क्योंकि अगर स्पीकिंग के ऊपर है तो प्रोनाउंसिएशन तो ऑटोमेटिक ही आएगा, ठीक है।
इसके अंदर बच्चे को फ्लुएंसी आ जाती है, बच्चा सही ढंग से बोल सकेगा, बच्चे को फ्लुएंसी आ जाएगी। इसके अंदर सीधा डायरेक्ट बॉन्ड हो गया, उसके बीच में ये डायरेक्ट बॉन्ड के अंदर ही आ जाएगा कि बच्चा सही ढंग से सीधे सीधे जवाब दे सकेगा। उसके अलावा इसमें क्या है, ग्रामेटिकल टूल बाद में कराए जाते हैं, पहले क्या बच्चे को सीधा बोलना सिखाया जाता है, तो डायरेक्ट बॉन्ड बनता है। उसके अलावा इसके अंदर लिखे तो अपने बच्चे की कमांड आ जाती है इंग्लिश के ऊपर, बच्चे की कमांड आती है ओवर इंग्लिश, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखें तो इसमें जो उसका नेचुरल एनवायरनमेंट है, नेचुरल एनवायरनमेंट वो भी कैसा बनाया जाता है, इंग्लिश बोल ले सारे के सारे, ठीक है। टीचिंग एड्स का हो गया इसमें यूज, टीचिंग एड्स का ज्यादा यूज होता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं टीचिंग एड्स का क्या है, ज्यादा यूज होता है, ज्यादा यूज होता है, ठीक है। और ये क्या है, मेनली स्मॉल क्लासेस के अंदर काम में आती है, स्मॉल क्लास लिख दिया। अब आया डीमेरिट के अंदर, क्योंकि इतनी बातें अगर आपको पता है ना तो आप कैसे भी लिख सकते हैं, सेंटेंस के ऊपर भेज दें। तो पहली बात तो अपने ये लेते हैं कि इसने क्या है, रीडिंग और राइटिंग के ऊपर फोकस नहीं किया, तो रीडिंग राइटिंग पे नो फोकस। उसके अलावा फ्लुएंसी आती है बट एक्यूरेसी पे कोई ध्यान नहीं है या बहुत कम ध्यान है, ठीक है। उसके अलावा अपने और लें तो इसमें क्या है, बिग क्लासेस को पढ़ाया जा सकता है, यहाँ पे बच्चे ज्यादा है, बिग क्लासेस को नहीं पढ़ाता इसमें, बिग क्लासेस साइज कर लेते हैं, बिग क्लासेस साइज। और जो छोटी क्लासेस होती हैं जैसे पहली दूसरी तीसरी, उसके बीच में अपने बच्चों को ये चीजें डायरेक्ट नहीं पढ़वा सकते क्योंकि बच्चों को मीन्स नहीं बताता इसमें, अपने कोई भी इमोशन को समझा नहीं सकते, जैसे पानी है, हवा है, तो हवा को कैसे समझाएंगे, हैप्पीनेस है, सैडनेस है, उनको अपने क्या समझा नहीं सकते, तो इमोशन को अपने इसके अंदर बता नहीं सकते। उसके अलावा और अगर अपने देखते हैं तो और पॉइंट्स देख लेते हैं हमने, तो इसके बीच में एक और बड़ी बात है, ये टीचर टीचर सेंटर ना होकर लर्नर सेंटर होना चाहिए, क्योंकि बच्चे को ध्यान में रखा जाना चाहिए ना कि टीचर को। अब बच्चे को ध्यान में रखेंगे तो ही बच्चे को बच्चे के हिसाब से पढ़ा सकेंगे, बच्चे की एज के अकॉर्डिंग पढ़ा सकेंगे, इसीलिए बच्चे के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और इसमें हर चीज को मीनिंग टू मीनिंग एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, हर वर्ड का मीनिंग होता ही नहीं है, ठीक है, हर वर्ड का मीनिंग नहीं होता, ये भी एक बड़ी दिक्कत है। और इसके बीच में ज्यादातर क्या है, स्पीच प्रैक्टिस पे ज्यादा जोर दिया। स्पीच प्रैक्टिस का मतलब बार बार उसी इंग्लिश को रट्टी जो ताकि बच्चा पूरे ढंग से इंग्लिश बोल पाए। तो यहाँ पे आपको पता लग गया कि डायरेक्ट टीचिंग, डायरेक्ट मेथड और आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के अंदर क्या अंतर है, ठीक है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पर भी बना चुके हैं वीडियो, वो भी आप जाके देख लेना। यहाँ पे डायरेक्ट मेथड भी हो गया, ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड की भी वीडियो बन गई, आगे आने वाले टाइम में और भी वीडियो आती रहेगी। तो चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। डायरेक्ट मेथड के अंदर मेनली यही है कि बच्चे को इंग्लिश टू इंग्लिश स्पीक कराना है, चाहे कुछ भी हो जाए उसको रट्टा मरवाओ भावे कैसे करो। एक तरह से डायरेक्ट मेथड को हम ऑडियो लिंगुअल जो मेथड है ना उससे भी कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ऑडियो लिंगुअल के अंदर क्या है, सुना बोला यही काम चलता रहता है, उसमें भी लिखने के ऊपर फोकस नहीं होता और डायरेक्ट मेथड में भी लिखने के ऊपर फोकस नहीं होता। तो मेनली जब किसी भी हर मेथड के अंदर यही पंगा है कि आपको किसी में तो लिखने में देखे एल एस दोनों चीजें सही होंगी और रीडिंग राइटिंग नहीं होगी, और किस में रीडिंग राइटिंग होगी तो एल एस नहीं होगा, तो दोनों में यही पंगा आता रहता है, कभी किसी में क्या नहीं होगा, कभी किसी में क्या नहीं होगा, मतलब हर चीज की कोई ना कोई कमी होती है और हर चीज का कोई ना कोई पॉजिटिव भी होता है। तो मेनली यही देख के चलें कि मेरिट क्या है, डीमेरिट क्या है और उसके अंदर यूनिट ऑफ टीचिंग क्या है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।